हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं फ्लूइड से रिलेटेड क्वेश्चंस, या यूं कह लें फ्लूइड से रिलेटेड बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, लेकिन है बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट्स। हालांकि ये सब कॉन्सेप्ट सीबीएसई में तो नहीं है या किसी बोर्ड में तो नहीं है, लेकिन ये आईआईटी जेईई मेंस एडवांस के लिए इम्पॉर्टेंट है। फ्लूइड्स एक चैप्टर है जो नीट में भी नहीं है, लेकिन इंजीनियरिंग सिलेबस में तो है। तो आपको ये सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी, इस टॉपिक को समझना पड़ेगा, अच्छे से नोट डाउन करना पड़ेगा, और ऐसे काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चंस भी आते हैं, आपको बहुत ही मज़ा आएगा सॉल्व करके। तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं। जो स्कूल लेवल का जो फ्लूइड्स है वो तो हमने किया हुआ है, तो थोड़ा बहुत बेसिक तो हम लोगों को आ गया है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, सीबीएसई से एक स्टेप और ऊपर लेवल में जाएंगे। तो हमें करना है फोर्स ऑन सरफेस इमर्स्ड इन ए लिक्विड एंड सेंटर ऑफ फोर्स, ये हमें करनी है। तो बेसिकली कोई भी वेसल, मान लीजिए ये कोई ऐसा वेसल है और इसमें लिक्विड है, ठीक है, ये सब लिक्विड है इसमें। तो हमारे को तो इतना तो मालूम पड़ गया है बेसिक लेवल पढ़ के कि हॉरिजॉन्टल लेवल में प्रेशर सेम होता है, कांस्टेंट होता है ड्यू टू द लिक्विड, ठीक है। लिक्विड के कारण अगर आपको बोला जाए इस बॉटम पे निकालिए कितना फोर्स होगा, तो कैसे निकालते हैं फोर्स? फोर्स निकालेंगे हम लोग प्रेशर इंटू एरिया, ठीक है। तो प्रेशर जो एग्जर्ट करेगा हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कोई भी लिक्विड वो तो सेम होगा। मान लो इसकी हाइट है कैपिटल एच, टैंक, ये जो टैंक है या वेसल है इसमें जो लिक्विड है उसकी हाइट है एच, तो प्रेशर जो यहाँ पे एग्जर्ट होगा वो तो कांस्टेंट होगा ना। हॉरिजॉन्टल लेवल में प्रेशर क्या होता है, यहाँ का प्रेशर मैं क्या लिखूंगा, पी इज इक्वल टू रो जी कैपिटल एच, ये लिखूंगा। सारे पे प्रेशर सेम होगा तो फोर्स बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग। क्या निकालेंगे, रो जी एच इंटू एरिया ऑफ दिस सरफेस, जो भी सरफेस होगा उसका एरिया निकाल लेंगे। तो ये हम लोग लिख सकते हैं। अगर वॉल पे प्रेशर की बात होगी तो क्या करेंगे, प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ दिस कंटेनर, वॉल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे भी कुछ प्रेशर होगा ऐसे परपेंडिकुलर टू द वॉल, और ये प्रेशर बढ़ता ही जाएगा, ये प्रेशर बढ़ता ही जाएगा। इसको मैं अगर अलग से दिखाऊं, सो दिस इज द वॉल एंड प्रेशर इज दिस वन, मैं एरो की लेंथ को बढ़ाता जा रहा हूँ। इसका क्या मतलब हुआ कि प्रेशर ऑन दिस वॉल केप्ट इंक्रीजिंग डाउन द लिक्विड फ्लूइड, क्योंकि हमें मालूम है कि जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं प्रेशर तो रो जी एच के फैक्टर से इंक्रीज होता रहता है, ठीक है, बढ़ता रहता है नीचे की ओर जाने पे। तो ये प्रेशर आपका बढ़ता जाएगा, तो ये प्रेशर कॉन्स्टेंट तो है नहीं, इसको कैसे फाइंड करते होंगे हम लोग, ये तरीका हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। ये हम लोग आज करने वाले हैं फोर्स ऑन सरफेस इमर्स इन लिक्विड एंड सेंटर ऑफ फोर्स। सेंटर ऑफ फोर्स क्या होगा ये देखेंगे। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, तो इसी कॉन्सेप्ट को कैरी ऑन करते हैं फॉरवर्ड और कुछ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सपोज मान लो ये लिक्विड लेवल है और ऐसा कुछ बॉडी है लिक्विड के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे मैं फील आने के लिए ऐसे लिक्विड दिखा रहा हूँ। फील होनी चाहिए कि दिस बॉडी इमर्स्ड इनसाइड अ फ्लूइड, देखो फील आ रहा होगा आप लोगों को, चलो लिक्विड है कुछ तो है, ठीक है, ये है। तो इसका कुछ एरिया होगा, राइट, एरिया ऑफ दिस बॉडी, कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ ना कुछ तो होगा, अभी पता लग जाएगा। डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड मान लेते हैं रो है, डेंसिटी है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं यहां पर कि सिंस इट इज नॉन यूनिफॉर्म बॉडी, राइट, तो इसका जो सरफेस से जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है, तो हम लोग काम कर सकते हैं कि वाई डिस्टेंस पे ऐसा कुछ स्ट्रिप ले लेते हैं हम लोग, डी वाई थिकनेस का एक स्ट्रिप ले लिया हम लोगों ने, और इसकी लेंथ मान लेते हैं एक से ऐसे, ठीक है ना। तो वाई डिस्टेंस पे हम लोगों ने डी वाई का एक छोटा सा स्ट्रिप ले लिया, और इसी स्ट्रिप के लिए काम करेंगे, और इस स्ट्रिप को हम लोग इंटेग्रेट भी करने वाले हैं। तो इसको आप लोग ड्रॉ कर लो पहले। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि इस स्ट्रिप पे फोर्स हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो फोर्स क्या होता है, डी एफ इज इक्वल टू डी पी इंटू डी ए, मैं डी से लगा रहा हूं क्योंकि वी आर डीलिंग विद अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द बॉडी, तो छोटा सा फोर्स लगेगा डी एफ, छोटा प्रेशर होगा डी पी, छोटा एरिया होगा डी ए। तो यहां इसकी एरिया की बात करें तो एक्स इंटू डी वाई लिख सकते हैं, डी ए, डी ए का क्या मतलब है, स्मॉल एरिया। प्रेशर को क्या लिख सकते हैं, रो जी वाई लिख सकते हैं, क्योंकि वाई डेप्थ है, तो लिक्विड कॉलम जितना भी होगा ऊपर में वाई लेंथ का
वो तो फोर्स लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। तो प्रेशर लिख लिया रो जी वाई, रो जी एस तो होता ही है, तो वाई इज द हाइट, और डीए को मैं लिख रहा हूं एच डी वाई ऐसे, ठीक है ना। ओके, तो ये हमारा है प्रेशर का एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा डीएफ। तो हमारे पास डी वाई थिकनेस है, एक्स एरिया है, वाई डी वाई, तो रो और जी तो कांस्टेंट है ना, रो और जी कांस्टेंट है, हमारे पास क्या आ गया एक्स वाई डी वाई। होपफुली आपको दिख रहा होगा, लेट मी चेक वन सेकंड। हाँ दिख रहा है आप लोगों को। तो यहां आपने एक्सप्रेशन में क्या देखा कि हमारे पास एक्स डी वाई और वाई है, तो वेरिएबल यहां क्या क्या है, वाई भी वेरिएबल है, डी वाई और एक्स वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है। तो बेसिकली हमने जो ये फोर्स निकाला टोटल इंटीग्रेट करके, जो ये फोर्स निकालने वाले हैं वो अलग अलग बॉडी के अलग अलग इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो तो आ जाएगा। बेसिक एक्सप्रेशन हमारे को लिखने आनी चाहिए, और यहाँ पर हमारे को गिवन होगा क्वेश्चंस में टर्म्स कि y कैसे वेरी कर रहा है, h कैसे वेरी कर रहा है। मान लेते हैं इसका अपर पोर्शन की हाइट है h1 और लोअर पोर्शन की जो हाइट है वो h2 है, ठीक है। तो बेसिकली जो फोर्स लगता है वो सेंटर ऑफ द बॉडी पे कहीं पे हम लोग मान के चलते हैं, उसी सेंटर पे फोर्स हमारे को निकालनी है, ठीक है। हर एक बॉडी पे पार्ट्स का तो फोर्स नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ सेंटर ऑफ द बॉडी पे निकाल सकते हैं। तो फ्लूइड्स में कैसा भी बॉडी हो, हम लोग जो एक्सप्रेशन हमारे पास जो आया है वो क्या आया है, रो इंटू जी और एक्स इंटू डी वाई। एक्स इंटू डी वाई क्या है, एरिया है, ये तो एरिया ही हुआ ना डी ए। और वाई क्या है, वाई इज द हाइट फ्रॉम द फ्री सर्फेस ऑफ द लिक्विड। ये हाइट है क्या, ये हाइट हमारे को ना सेंटर तक लेनी है, या यूं कह सकते हो एवरेज हाइट। तो इस फॉर्मूले को अगर अल्टीमेटली लिखा जाए तो मैं क्या लिखूंगा, रो जी इंटू एवरेज हाइट। एवरेज हाइट इस केस में मैं क्या लिखूंगा, एच वन प्लस एच टू डिवाइड बाई टू, ठीक है ना, एच वन प्लस एच टू, एच वन प्लस एच टू डिवाइड बाई टू इंटू एरिया, इंटू एरिया। इस तरीके की चीजें आपको मिलने वाली है। तो आपको अगर पूछा जाए नॉर्मल भाषा में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कि फोर्स ऑन दिस बॉडी इमर्स इन ए फ्लूइड किस कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, देखो रो जी ये इस पे भी डिपेंड कर रहा है, एवरेज हाइट जो है फ्री सरफेस से लेकर के एवरेज हाइट ऑफ द बॉडी, ठीक है, या फिर आप सेंट्रॉयड ऑफ द बॉडी भी कह सकते हैं। अभी आने वाले क्वेश्चन में हम लोग ट्राइंगुलर ब्लॉक का भी फोर्स निकालेंगे, एग्जैक्टली निकालेंगे, इंटीग्रेट करके निकालेंगे, इसी मेथड से निकालेंगे, इंटू एरिया। तो इन सब फैक्टर्स को आप नोट कर लो, क्योंकि आपको मालूम होने चाहिए कौन से फैक्टर्स पर फोर्स डिपेंड करते हैं, ये सारे आप नोट कर लो। अभी हम लोग आगे करते हैं ट्रायंगुलर वेज पे, ट्रायंगुलर ब्लॉक पे फोर्सेस कैसे लगते हैं। ये है ट्रायंगुलर ब्लॉक, फिगर समझे, ट्रायंगुलर प्लेट सबमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। प्लेट है बिल्कुल ऐसा ट्रायंगुलर, इसको वर्टिकली ऐसे पानी में डुबो दिया गया या किसी लिक्विड में डुबो दिया गया, इसमें बेस बी गिवन है, इसकी ए है, ये एच नॉट है। व्हाट इज द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द फेस ऑफ द प्लेट, ये जो प्लेट है ना इस पे फेस, इसका फेस तो यही हो गया, इस पे निकालनी है, और ये फ्री सरफेस इधर है, ये डिस्टेंस कितना एच नॉट है, और ट्रायंगुलर की जो है वो हाइट है ए और बेस है बी। थोड़ा सा पॉज करता हूँ वीडियो को, मतलब आप पॉज करो वीडियो को और खुद से ट्राई करो, कीपिंग इन माइंड दिस स्टेप्स आपको सॉल्व होगा। बहुत सारे बच्चे सॉल्व कर भी चुके हैं खुद से, इसी हिंट की वजह से, इसी फॉर्मूले पे, इसी कॉन्सेप्ट बेस्ट वो सॉल्व कर चुके हैं। तो बच्चों आप भी ट्राई करो, बिंदास सॉल्व होगा ये क्वेश्चंस, नोट करो एंड ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं वीडियो तो आपके लिए बना ही रहा हूं, ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों, तो आइए सॉल्व करते हैं, होपफुली आप लोगों ने पहले ट्राई किया होगा और अच्छे से किया होगा, तो आइए देखते हैं, पता लग जाएगा आप लोगों ने कैसे ट्राई किया है, मैच करके देख लो, क्या पता शायद आप कर चुके हो बहुत ही अच्छे से। तो बच्चों आइए फिनिश करते हैं इसको। यहाँ पे बोला गया है व्हाट इज द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द फेस ऑफ द प्लेट, और ये जो प्लेट है वो वर्टिकल है, ऐसा वर्टिकल प्लेन है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले आपको यहां से वाई डिस्टेंस पे आपको एक छोटा सा स्ट्रिप लेना है, ये वाला स्ट्रिप, इसकी लेंथ मान लो एक्स है ऐसा, ठीक है ना ये, और फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से ये एज नॉट डेप्थ पे है, लाई कर रहा है इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, तो बिल्कुल वही बेसिक वाला ही लगाएंगे, तो
टोटल फोर्स के लिए मुझे पहले प्रेशर चाहिए होगा, ठीक है। तो टोटल प्रेशर में क्या लिखूंगा, रो जी एच नॉट प्लस वाई, ठीक है, ये प्रेशर हो गया। और प्रेशर इनटू एरिया, तो अब मुझे एरिया के बारे में सोचना है कि एरिया में निकालू कैसे। तो वाई डिस्टेंस पे मैंने डी वाई थिकनेस का ये लिया हुआ है छोटा सा स्ट्रिप, तो एरिया की जगह मैं लिखूंगा एक्स डी वाई, ठीक है ना। एरिया की जगह क्या लिखूंगा, एक्स डी वाई। सो प्रेशर इनटू एरिया का फंक्शन आ गया, सॉरी एक्स डी वाई, एरिया एक्स डी वाई, ये आ गया टोटल फोर्स। इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो फोर्स मिल जाएगा मुझे, लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक्स भी है वाई भी है, तो कुछ इसको हमें कुछ एक वेरिएबल में करके लाना पड़ेगा, एक्स को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आप ध्यान से देख सकते हो यहाँ पे दो ट्राइंगल है, एक छोटा वाला ट्राइंगल ये और एक बड़ा वाला ट्राइंगल ये। तो क्लास टेंथ में जो हम लोगों ने पढ़ा है सिमिलर ट्राइंगल्स, उस कॉन्सेप्ट का यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान से आपको देखना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बेस ऑफ छोटा वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का बेस डिवाइड बाय बड़े वाले का बेस, ऐसे लिखते थे ना, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। और क्या लिख सकते हैं, छोटे वाले का हाइट वाई है, बड़े वाले का हाइट ए है, तो यहां मैं छोटे वाले का हाइट अपन बड़े वाले का हाइट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू मुझे क्या मिल गया, बी बाई ए इंटू वाई। तो एक्स की जगह मैं डाल दूंगा बी बाई ए इंटू वाई। इसके बाद आप समझ ही गए होंगे क्या करना है, रो और जी तो कांस्टेंट है और एच नॉट प्लस वाई, एक्स को रिप्लेस कर दिया बी बाई ए इंटू वाई डी वाई, ये मिल गया। अब ये काफी इजी वे में हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ वाई है जो वेरिएबल है और बाकी सब यहाँ कांस्टेंट है, तो वाई के लिए इंटीग्रेट करेंगे। तो वाई कहाँ से वैरी करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो y क्या हो सकता है, जीरो लूंगा तो a पे आ जाऊंगा, और y की वैल्यू a ले लूंगा तो बेस पे आ जाऊंगा, तो पूरा उसमें जो आपका ट्राइंगल है कवर हो जाएगा। तो y वैरीज फ्रॉम जीरो टू a ऐसे, ठीक है ना। तो मैं इसे कंप्लीट कर देता हूँ इंटीग्रेशन को, ये इस पार्ट को हटा देता हूँ, इस पार्ट को हटा करके मैं लिख सकता हूँ f इज इक्वल टू रो जी बी बाई ए, इसको इंटीग्रेट कर लें, बी बाई मैंने बाहर निकाल दिया है, कॉन्स्टेंट है, जीरो टू ए है, फिर ये है एच नॉट वाई डी वाई, ठीक है बाहर है, प्लस जीरो टू ए वाई स्क्वायर डी वाई। इसको हम लोग कर सकते हैं पूरा इंटीग्रेट, तो हमारा काम हो जाएगा, इस पूरे को हटा देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ले आएंगे एफ इज इक्वल टू एच नॉट वाई डी वाई, तो ये वाई स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, रो जी बी बाई ए एच नॉट वाई स्क्वायर बाई टू, लिमिट डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई टू प्लस वाई क्यूब बाई थ्री, यानी कि ए क्यूब अपॉन थ्री आफ्टर पुटिंग द लिमिट्स, तो ये मुझे मिल गया, ठीक है। ये क्वेश्चन इसको और भी फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, तो रो जी बी हो जाएगा, ए को अंदर जाने दो, सो एच नॉट ए बाई टू प्लस ए स्क्वायर बाई थ्री, दिस इज द टोटल फोर्स एक्टिंग, ठीक है बच्चों। इसको नोट करो, हमारे पास दूसरा मेथड भी है इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये था मेथड नंबर वन, ठीक है ना बच्चों। इसको नोट कर लो अच्छे से, मैं मेथड नंबर टू भी बताने वाला हूँ, मिलते हैं ब्रेक के बाद, इसको नोट करो। तो आइए बच्चों, दूसरा मेथड देखते हैं कैसा है, ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, और हर एक मेथड का अपना अपना इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए मैं दोनों मेथड बता रहा हूँ, ताकि जो आपको शॉर्ट लगे, जो आपको अच्छा लगे, जो ज्यादा आपको समझ में आए वो आप कर सकते हो बच्चों, है ना। बहुत सारे डायमेंशन हमारे को मालूम होने चाहिए, तो आइए देखते हैं दूसरा मेथड से क्या हेल्प होता है हमारे को और कितना यूजफुल है। इसे हटा देते हैं, एलिमेंटेरिंग जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं फोकस कर रहा हूँ सेंट्रोइड, किसी भी ट्राइंगल का अगर सेंट्रोइड मुझे मालूम पड़ जाए। देखो सेंट्रोइड क्या होता है, बिल्कुल आपका जो सेंटर का जो मिड पॉइंट है सेंट्रोइड है यहाँ पर, तो सेंट्रोइड हर एक बॉडी का फिक्स होता है। तो किसी भी ट्राइंगल के लिए अगर आपको सेंट्रोइड चाहिए, तो जैसे ये कोई पार्टिकुलर ट्राइंगल नहीं है, ये जनरल ट्राइंगल है, ठीक है। तो जनरल ट्राइंगल का जो सेंट्रोइड होता है वो अगर देखा जाए हाइट के अकॉर्डिंग होता है। हाइट अगर आपको मालूम है तो टू ए बाई थ्री
दिस इज द सेंट्रॉयड का हाइट, सेंट्रॉयड लाइज हियर फ्रॉम दिस पॉइंट, यहां से यहां तक जो सेंट्रॉयड का डिस्टेंस होता है वो होता है 2a/3। ये क्लास 8 में भी था, 9 में भी था, सेंट्रॉयड का जो डिस्टेंस होता है एक वर्टेक्स है डाउन अगर लिया जाए 2a/3 होता है। ये चीज अगर आपको मालूम है तो बहुत ही आसान हो जाता है ये प्रॉब्लम। तो अगर मैं सबसे पहले प्रेशर निकालूंगा तो सेंट्रॉयड पे प्रेशर निकालूंगा वो लिखूंगा रो जी इंटू एच नॉट प्लस 2a/3, ठीक है ना। देखो प्रेशर किसका होगा सेंट्रॉयड पे, सेंट्रॉयड के ऊपर जितना भी हाइट बनता है पूरे हाइट का प्रेशर आपको चाहिए उसके सेंटर पे, तो एच नॉट प्लस 2a/3 तो पूरा मेरे को मिल गया। एरिया देखो फोर्स क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया होगा, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ये हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं प्रेशर इंटू एरिया रो जी एच नॉट प्लस 2a/3 तो प्रेशर हो गया, प्रेशर इंटू एरिया हाफ इंटू एरिया इंटू बेस ये लिख सकते हैं हम लोग, बस हो गया आपका काम खत्म। रो जी बी को बाहर रखो a/2 को नीचे ले आओ मतलब अंदर ले आओ, एच नॉट a/2 प्लस a²/3 दिस इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द ट्राइंगल, सेंट्रॉयड पे एक्ट कर रहा है मतलब ट्राइंगल पे एक्ट कर रहा है। ठीक है बच्चों प्लीज मेक ए नोट, और नए वीडियो में हम लोग मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ, हाइड्रोस्टैटिक्स फ्लूइड मैकेनिक्स जारी रहेगा बच्चों, मिस नहीं करना है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल बटन के साथ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट तो कीजिए ही अगर आपको समझ में आया पसंद आया तो। बाय बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।